हाय गाइस, मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ और मैं यशी के साथ यहाँ पर एक प्रैंक करने वाला हूँ। छोटा सा प्रैंक क्या होगा वो आपको वीडियो देखोगे तब समझ में आ जाएगा। और मैं अभी ब्लॉग इस तरीके से स्टार्ट करूँगा कि एक नॉर्मल ब्लॉग चालू हो रहा है। ओके, तो स्टे ट्यून्ड। हाय गाइस, गाइस हम थोड़ा सा लाउड नहीं बोल सकते यहाँ पर क्योंकि हम एयरपोर्ट पे हैं, और अगर हम लाउड बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं कान सब हमारे को देखने लग जाएंगे। तो अभी हम हैं मुंबई एयरपोर्ट पर और मैं यशी को लोनावला घुमा के लेकर आया हूँ। मैंने इसको प्रॉमिस किया था ना, आपने ब्लॉग देखा होगा वैलेंटाइन वीक वाला, तो मैंने इसको प्रॉमिस किया था मैं पूरा इंडिया घुमाऊंगा इसको। तो अभी लोनावला घुमा के लाया हूँ और मज़ा आया तेरे को? बहुत मज़ा आया। देखो, और गाइस हमारे साथ क्या, आज हमारी फ्लाइट है 12:30 बजे की। हम निकले लोनावला से सुबह 6 बजे। जबरदस्ती को 6 बजे उठा के लाया मुझे। 6 बजे आने का, वहाँ पे 8:30 बजे पहुँच गए। कोई सेंस इस बात का? रुक जा। तुम्हें तो तब भी बड़ा लग रहा था। बताऊँ तेरे को अभी दो कैसी लग रही नींदों में सोई? तुम मेरे को सोने नहीं दिया इसने यार। बताओ, बोले सुबह 6 बजे उठ जाएगी, कैसे सोएगा इंसान? टेंशन के मारे नींद नहीं आती आधी तो। 6 बजे उठ के आए, एक्चुअली इसलिए आए थे क्योंकि हमें लगा था मुंबई का ट्रैफिक है, लेट हो जाएंगे अगर। 6 बजे कोई ट्रैफिक नहीं होता तेरी तरह नहीं कुछ। 6 बजे लोनावला से निकले थे, यहाँ पर पहुँचते अगर 8 भी बजते तो ट्रैफिक ऑफिस टाइम होता है ना, उस टाइम पे अटक जाते तो फिर कहाँ जाती? तो इसलिए हम जल्दी निकले थे, ट्रैफिक में नहीं अटकता। हमें लगा था 9:30 बजे तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारे जो ड्राइवर थे उन्होंने मस्त 8:30 बजे यहाँ पे पहुँचा दिया। मैं ना वॉशरूम में थी और बाहर से चिल्ला रहा मेरे रूम में आके, और ब्रश करी फटाफट ब्रश करी, नहाने भी नहीं दिया। आज ये भी बिना नहाए तो जब कैब आ गई ना उस टाइम तो मेरे को ब्रश करना है, मेरे को पोती भी नहीं करी। 15-20 मिनट तक हम वेट करते रहे, उसके बाद ही आई बाहर। और आते ही पता है क्या, हम यहाँ पर पहुँचे एयरपोर्ट पे 8:30 बजे, फिर हम ये सोच रहे थे कि अब 4 घंटे करना क्या है। हाँ। तो हम नींदों में थे, हम पता है क्या हुआ हमारे साथ, एयर इंडिया और एयर एशिया एकदम लाइक रेड कलर का वो है, हमारी फ्लाइट है एयर एशिया की। तो हम खड़े हो गए लाइन में, बहुत लंबी लाइन थी, एयर इंडिया की लाइन में खड़े हो गए, खड़े रहे नींदों में थे, हमें लगा एयर एशिया की है वो, खड़े रहे चलते रहे। वहाँ काउंटर पे पहुँचे ऑलमोस्ट 25 मिनट्स बाद, उन्होंने बोला ये तो एयर इंडिया है, आपका काउंटर पीछे है। और पता है क्या, पीछे भी हम लोग घूम के आ गए और मैं एयर इंडिया, एयर इंडिया का एयर इंडिया के पीछे देख के एयर एशिया होगा नहीं, देखता हुआ चल रहा है, हिंदी को आ गया, ये आ गया, एमिरेट्स आ गया, है ना, एमिरेट्स आ गया, लेकिन नहीं मेरे को तो देखना ही। मतलब ऐसे ऐसे ऐसी चोट हो रही है, मतलब हम भी सोच रहे थे टाइम कहाँ यूज करेंगे, वो टाइम ऐसे यूज हुआ है। वहाँ से निकले हम और लाइन से थे सारी फ्लाइट्स के अलग अलग बोर्डिंग वाली जगह, जस्ट हमारे पीछे ही था, लेकिन हम एकदम एंड तक चले गए, हमारे को दिखा ही नहीं वो कि एयर एशिया का है। फिर हम वापस आए, फिर हम वापस लाइन में लगे, और लाइन में लगने के बाद वहाँ पर कोई छोटी सी लाइन, 2 मिनट में नंबर आ गया, लेकिन नंबर आने के बाद हमारे को बोर्डिंग पास लेने में फिर से 25 मिनट लग गए। मैं तो जाके बैठ के, मैंने तू ले बोर्डिंग पास, तू ही लिया। 1 घंटा तो पूरा इसी में चला गया, मैंने कहा वाह यार क्या सही यूज किया है हमने। ये देखो ये पी रहा, ये खा रहा। तो 1 घंटा हमारा इन चीज़ों में वेस्ट हुआ। उसके बाद भी अब 3 घंटे बाकी थे, तो हमने सोचा क्यों ना व्लॉग बना लिया जाए, तो हमने फिर व्लॉग स्टार्ट कर दिया। देख रहा हूँ मैं कितनी एक्टिव हूँ व्लॉग में। हाँ, बहुत एक्टिव है, तो बहुत एक्टिव है। मैं को भी खाऊंगा। तेरे को खाना है तो इसमें खा ले, पैसे दिए ले। नहीं, मैं ट्रैवलिंग के टाइम से फ्रूट्स खाती हूँ, फ्रूट्स चाहिए मुझे तो चाहिए तो लेके आ। बहुत बड़ा है, आप भूल जाइए। नहीं, कहीं से भी लेके आप, जा। और नहीं मिला तो वापस बताना। मैंने ऑलमोस्ट पूरा का एयरपोर्ट घूम लिया, लेकिन मेरे को कहीं पर भी फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं, और वो फ्रूट्स ही खाती है यार, वो भूखी रह जाएगी, सबसे बेकार चीज़ तो ये होगी, कुछ और खाती भी नहीं है वो। नो फ्रूट्स, सिर्फ पानी मिलेगा, कुछ भी नहीं, सब कुछ वही है जो बर्गर, पिज्ज़ा बर्गर ये सब, सब कुछ पूरे एयरपोर्ट पे नहीं मिला, फ्रूट्स नहीं मिले कहीं पर भी। पैसे तो मैं तेल से लेके गया था यार, अब कुछ नहीं कर सकते। पीपी किट ये आते वक्त भी इसको यही पहनना पड़ा था, और अब जाते वक्त भी इसको पहनना पड़ेगा क्योंकि इसकी सीट भी है, बीच वाली सीट को पहनना पड़ता है, ये पहनना पड़ेगा तेरे को। मेरे को तो बस ये पहनना है, इसको ये पूरा का पूरा पहनना ही पड़ेगा। ये तो ये भी पहनता, मुझे पूरा पहना के लेके जाता, बना के लेके जाता बाबा जी। हाय ब्यूटीफुल, अब नेक्स्ट कहाँ घूमने जाना है ये बता। नेक्स्ट कहाँ
हाय डॉक्टर. रहने दे तू, रहने दे. ऐसी अपन कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? जयपुर जा रहे हैं. जयपुर जा रहे हैं क्या? बोर्डिंग पास पड़ी है एक बार तेरा. क्या हो गया? वो गलती से बेंगलुरु की फ्लाइट क्या बुक हो गई थी. तो पागल है क्या? सब रोज 3 दिन से थकी पड़ी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी कहीं पे. तू क्या पागल है क्या? बेंगलुरु क्यों करोगी? बस मत, मैं तुझे लपड़ लगा दूंगी. मैं देखा थोड़ा सा इंडिया टूर करा दूं. देखो मुझे नहीं करना ये लपकड़. अरे क्यों करेंगे? चेक करो तू, बेंगलुरु की तो पागल है क्या? अरे तो घूमते ही चल जाएंगे ना वहां से. मेरे को नहीं जाना बेंगलुरु, मुझे जयपुर जाना, घर जाना है मेरे. थक गई यार 3 दिन. अब मैंने यहाँ पर, अब यहाँ तो तू चिल्ला भी नहीं सकती मेरे ऊपर. अब तो देख हो चुकी है. यार 3 दिन से वैसे थक रही हूँ यार. वैसे यहाँ पे कुछ खाने को नहीं मिल रहा. तू क्या पागल है क्या? बैंगलोर. अरे हाँ एक्चुअली इसलिए कराई थी कि फ्रूट्स तेरे को यहाँ नहीं मिले ना, तो बैंगलोर ले जाके खिलाऊंगा सबके सामने. मारे तो पागल है क्या? नॉर्मल जयपुर की फ्लाइट नहीं थी क्या? जयपुर की थी, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा घूमते भी चल लेते हैं. बेंगलुरु से बुक है. ओरे लम्हे. तू यहाँ पे चिल्ला भी नहीं सकती ना मेरे ऊपर. कंट्रोल उदय, कंट्रोल. तू पिटेगा, तू पागल है यार. देखो पता, मैं थक रही हूँ. 3 दिन हो गए घूमते घूमते. मुझे घर जाना, मुझे मेरे घर जाना. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तूने क्या बोला था, इंडिया टूर करना है तेरे को? तो अभी नहीं करना, अभी नहीं करना मुझे. मैं थोड़ी देर बहुत खुल दूंगी, तू सुनेगा क्या मेरे से? तो चल टच करके वापस आ जाएंगे उसको. नहीं लेकिन मेरे उस बुक में तो वो लिख दूंगा कि मैंने तेरे को वहाँ घुमा दिया. नहीं नहीं बिल्कुल हो गया. और क्या यार, क्या है? सही में करा दी क्या? तो मैं तो देख लेना वापस, देख ले. मुंबई टू बेंगलोर है, बुला रहे. देख कम ऑन बोर्ड. इसकी पता है गलती क्या है कि ये सारी की सारी चीजें मेरे को देती. जा तू बोर्डिंग पास लिया, सब लिया और यहीं पर. नहीं तो ये स्टार्टिंग में समझ जाती. वहाँ पे नहीं मिले फ्रूट्स का भी. अच्छा देखो दुख किस बात का कि वहाँ फ्रूट्स नहीं मिलेंगे? मुझे भूख लग रही है यार, ऊपर से पागल बंदी कर रहा है. तो पागल है क्या यार? देखो तू कैसा लग रहा है आपको बेंगलोर? जब भी तू जा जाके साइड में व्लॉग बना रहा था, अभी तक जो परेशान करने के लिए आया ना मेरे. कितनी मुझे पहुंचेंगी घर? अभी पहुंचेंगे, ज्यादा दूर नहीं है. अब पहुंच जाएंगे, 2 घंटे में बेंगलोर, देन वहां से और अभी यहाँ पर वापस से 2 घंटा वेट करना है अगली फ्लाइट के लिए. भूख लग रही है तो अब इसके लिए फ्रूट्स ढूंढते हैं. यहाँ पर यहाँ 2 घंटे वेट करना है वापस, और उसके बाद देखते हैं कहाँ जाते हैं. कुछ भी हो सकता है. कैसी हरकतें कर रही है एयरपोर्ट में? कुछ शर्म और आ रही है चलने में? तू हरकतें बड़ी अच्छी कर रहा है ना. हमें फ्रूट्स मिल गए. देख फायदा हुआ ना इतनी दूर आने का. इधर शट अप यार. मैं नहीं करूंगी कोई बात, जब तक मेरी बात नहीं सुनेगा. चल ये मेरे को इतनी देर से शॉपिंग के लिए बोल रही है. अब इतनी दूर लाया हूँ तो शॉपिंग भी करा दूंगा. देखो या कहीं और चलते हैं शॉपिंग करने. देख यहाँ पर मैं फ्रूट्स खिलाए देखो. शॉपिंग करने कहीं और चल रहा है. शॉपिंग करने कहीं और चल रहे हैं. नहीं मुझे जयपुर पहुंचा. अभी बोर्डिंग पास आने दे एक बार. मैं थप्पड़ लगा दूंगी अपनी बार तेरे पे. जाएगा भरी एयरपोर्ट में. मैं आपको बताता पूरा प्लान, लेकिन मेरे को कहीं मौका ही नहीं मिल पा रहा था ये शूट करने का कि कैसे करूं. मैंने जो स्टार्टिंग वाला पार्ट जो शूट किया था कि मैं प्रैंक करने वाला हूं उसके ऊपर, वो भी मैंने वॉशरूम में जाके शूट किया था. इसको मैंने बोला था कि बस एक नॉर्मल सा ब्लॉग बनाएंगे क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास, तो एक ब्लॉग बना लेंगे क्यों फ्री बैठे. और ये बेचारी, तो ये वाली अपनी फ्लाइट अब
पहले अपन जाएंगे हैदराबाद, देन अपन पहुंचेंगे जयपुर। अभी अपन को हैदराबाद में बिरयानी खानी है। दिस बार हैदराबाद, चल बिरयानी खाने चलते हैं। हाय ब्यूटीफुल, आगे आगे चल रही है, उससे बात नहीं कर रही है। यशी नाराज हो गई, तेरी मम्मी का कॉल नहीं आया क्या? बेटी पहुंच गई जयपुर। इसकी मम्मी तो वेट कर रही होगी, जयपुर आ गई। ये तो मारेगी मारेगी इसकी मम्मी और मारेगी मेरे को। इसको देखो, फ्राइड राइस। मुझे भी तो भूख लगी है, इसको घुमाते घुमाते इतना। मुंबई लेके गया, लोनावला लेके गया, उसके बाद हैदराबाद हो गया, हैदराबाद बेंगलोर लाए, अब बेंगलोर लाए, अब हैदराबाद भी जाएंगे, उसके बाद वापस जयपुर लेके जाऊंगा। अगली बार वापस कहीं और लेके जाऊंगी। बहुत मारूंगी अगली बार तूने ऐसे किया तो। सक्सेसफुल ये तो सक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि जब बुक हो गई है तो इस पर तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, तो सक्सेसफुल था। जानबूझ के किए ऑब्वियसली। चिड़ी यार, एयरपोर्ट पे चिड़िया अंदर क्या कर रही है? एंड अगेन द विंडो सीट इज माइन, और इसको हमेशा बीच की सीट ही मिलती है। मैं खुश हूं क्योंकि ना क्यों? उस साइड डूब आ रही है। अब अपन जा रहे हैं हैदराबाद। क्या मजा आ रहा है मेरे पास इसको घुमाने में। पहुंच गए अपन हैदराबाद। बेचारी सो रही है, बहुत देर निकाल रही है। मैंने तो सोचा था कि यहाँ पर भी एयरपोर्ट पहुँच रहेगा तो लेके चलूंगा, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। पता है जब ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ ट्रैवल कर रही थी ना, तब उसके बाद में बहुत तेज दर्द होने लग गया था। ये पागल की तरफ मेरे को डरा दिया था बहुत तगड़ा एक्सीडेंट। मैंने तो उसके बाद बोल दिया था इसको कि भाई तू मत जाना प्लेन व्लेन में मेरे साथ, भाई तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है ट्रैवल करना। इसके बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब ये टिकट बुक होने से पहले और बोर्डिंग पास भी ज़रूर चेक करेगी, खुद से लेने भी जाएगी। Okay, तो फाइनली हम जयपुर पहुंच चुके हैं। अंदर तो इतनी अंदर हमने स्टार्ट नहीं करा क्योंकि बहुत जल्दी में थे हम, क्योंकि बहुत जल्दी से घर पहुंचना। अब तो मैं भी परेशान हो गया यार सुबह से घूमते घूमते। आया मजा और कर लो तेरे को आया ना मजा, लेकिन आज मैंने इसको पूरा इंडिया घुमा दिया। इंडिया में पूरा घूमे, इंडिया बैंगलोर ले गया और क्या। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अब, तो आई होप आप लोगों ने खूब एंजॉय किया होगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।